इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान कहीं आप तो नहीं कर रहे ये गलतियाँ, घटने की जगह बढ़ सकता है वज़न। दोस्तों, इन दिनों वज़न घटाने के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग काफ़ी ट्रेंड में है। कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि उनका वज़न इस फास्टिंग से भी कम नहीं हो रहा है। ऐसा कुछ गलतियों के कारण हो सकता है, तो आइए जानते हैं इन गलतियों के बारे में। लेकिन उससे पहले आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सात्विक सेहत में, जहां हम आपको अच्छी सेहत, अच्छे जीवन यापन और खुशहाल ज़िंदगी जीने के तरीकों के बारे में बात करते हैं, जिससे आप रोग मुक्त रह सकें और अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। दोस्तों, इन दिनों इंटरमिटेंट फास्टिंग काफ़ी ज़ोरों शोरों के साथ ट्रेंड में है। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई सेलेब्स ने इस ट्रिक के साथ वेट लॉस किया है। इस फास्टिंग के दौरान लाइफस्टाइल में थोड़े बहुत बदलाव के बाद ही अंतर दिखने लगता है। सेलेब्स की माने तो वेट लॉस का ये सबसे आसान और अच्छा तरीका है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि इसे फॉलो करने के बाद भी उनका वज़न कम नहीं हुआ। ऐसा तब होता है जब आप इसे फॉलो करते समय कुछ गलतियां कर बैठते हैं। तो आइए जानते हैं ऐसी कुछ मिस्टेक्स के बारे में। इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान होने वाली गलतियों में से सबसे ऊपर है कि लोग अक्सर वज़न तुरंत कम करना चाहते हैं। वह सोचते हैं कि वज़न घटाने के लिए किसी भी चीज़ को अगर फॉलो करना है तो सब कुछ एक साथ कर लिया जाए, जबकि ये गलत है। पहली बार इस डाइट को फॉलो कर रहे लोगों को छोटी फास्टिंग विंडो से शुरू करना चाहिए और फिर धीरे धीरे टाइम बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा सही प्लान चुनना भी बेहद ज़रूरी होता है। अगर आप किसी ऐसे प्लान को चुनते हैं जिससे आपकी लाइफस्टाइल का तरीका मेल नहीं खाता है, तो आपको ज़्यादा नुकसान होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप ज़्यादा कैलोरी खाते हैं और फिर वज़न कम होने की बजाय बढ़ जाता है। तीसरे नंबर पर बात करते हैं, जैसे फास्टिंग के बाद जब आपकी इंटीग्रेटेड विंडो शुरू होती है तो कई लोग बहुत सारा खाना खाते हैं और जो मन में आता है वह खा लेते हैं, जबकि ये गलत है। फास्टिंग टाइम को ध्यान में रखें और सोच कर खाएं। इसके अलावा ज़्यादातर लोग फास्टिंग के दौरान पानी पीना ही भूल जाते हैं, लेकिन आप ऐसा ना करें। खूब सारा पानी पिएं। अगर आप पानी की मात्रा सही तरह से नहीं पीते हैं तो हो सकता है कि आप कुछ गलत खाएं जिसमें खूब सारी कैलोरी हो। फास्टिंग के बाद जब आपका खाना खाने का टाइम हो और तब आप खाना खाना स्किप कर देते हैं तो भी आपको थकान महसूस हो सकती है। दोस्तों, अगर आप ये सावधानियां बरत रहे हैं और कोई गलती नहीं कर रहे हैं अपने इंटरमिटेंट फास्टिंग में, तो यकीनन आपका वज़न कम होगा और आपकी मेहनत सफल होगी। हम आशा करते हैं यह वीडियो आपके लिए लाभकारी हो और यह जानकारी आपकी इंटरमिटेंट फास्टिंग को सही तरीके से करने में सहायक हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल सात्विक सेहत, ताकि हम आपको प्रोत्साहित कर सकें अच्छा जीवन जीने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।